अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूँ आपका अपना आदरणीय रियाज प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर मौजूद हूँ। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट और आज फ्राइडे का दिन है और कराची में बता रहे हैं कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। रात भर से यहाँ पर बारिश हो रही थी। ये आप देख सकते हैं हमारे नरेश भाई आज ही आएंगे वीडियो में, क्योंकि आज ये साफ सुथरे बैठे हुए। खैर सेकेंड मजाक से हट के अब हम आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट जाते हुए। वैसे तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन हम वीडियो नहीं बनाते, बट आज हम आपको दिखाते हैं कि जो रात भर से बारिश हो रही है तो एयरपोर्ट का जो रास्ता है वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि बहुत से लोग एयरपोर्ट की तरफ ना प्रेफर करते हैं प्लॉट लेना, मकान लेना। तो आज हम उनको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है बारिश के बाद की। अगर तो वहाँ पर बारिश है, यानी कि बारिश पानी खड़ा हो गया, तो बेकार है उस जगह पर प्लॉट लेना, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। सेकंड ये है कि अभी यहाँ पर बारिश होने वाली है, कराची में रेड अलर्ट जारी हो चुका है, तो हम आपको दिखाते हैं अभी क्या सूरत हाल है। तो अगर अभी पानी जमा है तो बाद में तो तबाही होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। अभी हम आपको म्यांमार से बाहर निकल के दिखाते हैं। म्यांमार का तो हमने काफ़ी आपको दिखाया कि म्यांमार में बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि एयरपोर्ट से जाते हुए क्या सूरत हो रही है। हमारे साथ रहिए। तो जनाब अभी म्यांमार से एयरपोर्ट का रास्ता हमने आधा क्रॉस कर लिया है। अभी तक जो हमने वीडियो में देखा है, यानी कि जो इधर इधर के एरिया देखे, पानी कहीं पर जमा नहीं है और बेहतरीन मौसम हो रहा है। एक तो बेहतरीन मौसम हो रहा है और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बेहतरीन है। इवन अगर आप देखोगे ना, नाजामाबाद हो गया या नागन चुरंगी हो गया नॉर्थ कराची की साइड, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करो, लिटरली वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करो। खासकर वहाँ पर फ्लैट तो लो ही नहीं, फ्लैट की एक लाइफ होती है और वो थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन प्लॉट जो है वो बेहतरीन होता है। लेकिन वहाँ पर नहीं लो। अगर इन्वेस्टमेंट है तो स्कीम 45 की तरफ आओ या इस तरफ आओ एयरपोर्ट की तरफ। अभी हम आपको आगे थोड़ी वीडियो दिखाते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो जनाब हम लोग जो है एयरपोर्ट की हदूद में पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लोग बनाते हैं बट सिक्योरिटी पर्पस होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली मैंने आपको दिखा दिया कि एयरपोर्ट से जब आ रहे हैं ना हम लोग, यानी कि म्यांमार से जब एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं हम लोग मेन हाईवे की तरफ से, तो पानी कहीं पर जमा नहीं, अगर है भी तो थोड़ा सा है, इतना तो घर के बाहर भी जमा हो जाता है, तब घर धोते हो फर्श धोते हो तो पानी जमा नहीं हो रहा। ठीक है, सेकेंड ये कि इस तरफ इन्वेस्टमेंट करो, म्यांमार की तरफ इन्वेस्टमेंट करो, नागन की तरफ नहीं जाओ, नागन चुरंगी नॉर्थ कराची नॉर्थ नाजामाबाद इस तरफ नहीं जाओ। खुदारा अपने पैसे बचा लो, इस तरफ 5 लाख महंगा मिल जाएगा, यहाँ ले लो। अगर कहीं सस्ता है तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इवन वहाँ पर नहीं लो, अभी जहाँ पर अभी वहाँ पर आप देख सकते हो अभी से नागन चुरंगी पर क्या हालत हो रही है। अगर आज बारिश हो गई ना, जो रेड अलर्ट जारी किया है, तो आप खाली नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजामाबाद का विज़िट कर लीजिएगा।
इस वजह से मैमार की वैल्यू बढ़ रही है। लोग कहते हैं ना स्कीम 45 क्यों उठ रहा है, मैमार इस वजह से उठ रहा है। एयरपोर्ट की साइड इसलिए उठ रही है क्योंकि यहाँ पर पानी खड़ा नहीं होता, फैसिलिटीज़ हैं और वो इलाके पुराने हो चुके हैं। ये मेरे दोस्त का आखिरी बार देख लें। अच्छा तो जनाब अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और ना पसंद आए तो कोशिश करें लाइक करने की, पसंद आएंगे हम आपको इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, खुश रहने भी दें। अल्लाह हाफिज़।